नमस्कार दोस्तों। श्री श्रीमद् भागवत गीता को ज्ञान का भंडार कहा गया है। उसी ज्ञान के भंडार में से आज मैं 11वें अध्याय विराट रूप का हिंदी में आप सबके सामने वर्णन करूंगी। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, आपने जिस अत्यंत ग्रह आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरे मन का मोह अब दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी लक्ष्य महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस अध्याय जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य हो। सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भरत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय हृदय देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से संकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उसका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल कर असीम ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अनंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। कृष्ण भगवान हैं, तात्पर्य कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता था। आपके रूप को उसके
चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो आपके मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आगगेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्ययी तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप यदि मध्य तथा अंत में रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश और सारे लोकों एवं उसके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मुरुदगण, प्रतिगण, गंधर्व, यश, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपके आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जगह, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों के से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। हे दैव्य, हे जगनिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है।
भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विशिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हें अर्थात पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे, अतः उठो, तैयार हो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये हे स्वयसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार नमस्कार किया। फिर उन्हें भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुद्ध होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप यदि स्त्रष्टा हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जग निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इन भौतिक जगत में से परे हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवता, हे जननिवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत में से परे हैं। आप यदि देव, सनातन पुरुष तथा इस हिष्य जगत के परम आश्रय हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ कहते हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आशय हैं। मैं अनंत रूप यह संपूर्ण हिष्य जगत आपसे व्यक्त हूँ। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण हिष्य जगत आपसे व्यक्त है। आपको अपना मित्र बनाते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप चर तथा अचर इस संपूर्ण अश्व जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिडाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा में करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दृश्य करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है।
अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देववश, हे जगनिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पांड धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अनतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो देवाध्यायन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यहीं पर आज के लिए इसे अल्पविराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।